गार्डनिंग दिल से में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल अगेन। और ये है मेरे गांव का घर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये सब जितना घर के लिए वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं यहाँ पर, ये प्याज देख सकते हैं आप लोग, ये है बिस्किस, गुड़हल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको दिख रहा है कॉर्न फ्लावर, इसके बीज किस तरह से निकाले जाते हैं, जो कि आप अगले सीज़न में यूज़ कर सकते हैं उसको। वैसे तो ये गर्मियों के सीज़न में भी चलता है, और ये सर्दियों में लगता है, ये सर्दियों में इसके फूल आते हैं। ये वाला आपका समर्स का प्लांट है और ये विंटर्स में आपको फ्लावर नहीं करेगा। तो इसके जो बीज किस तरह से निकालते हैं, अभी तो आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें। और ये जो सूखे हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये सूखे हुए। तो इनका क्या करना है, ये जो इनके नीचे का ये गोल गोल सा दिख रहा है आपको, फ्लावर के नीचे ये गोल गोल जो नीचे है, सूखने के बाद में ये सूख जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो आपको ये किस तरह का दिखेगा, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको तोड़ के। इसको तोड़ लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके बीज किस तरीके से निकलते हैं। ये जो सूखे हुए हैं, इनको तोड़ के एक बार इनको तोड़ के बताना जरा। ये देखें, ये वो जो नीचे उसकी गोल गोल सी थी, वो सूखने के बाद में उसके नीचे से गिर गई सब, इस तरीके का निकलता है। ये छोटे छोटे से ये बीज हैं, ये थोड़ी सी हवा में ये उड़ जाते हैं, लेकिन इसको काफी सेफली रखना होता है, एक बॉटल में या फिर आप पेपर में इसको सिक्योर करके रख सकते हैं। और बाकी इसको लगाना कैसा है, इसी तरह से मिट्टी में डाल देना है आपको, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर डाल देनी है, और नेक्स्ट सीजन में आपका ये तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।